हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, आज कोई ऐसी मेरे को खबर अवर नहीं मिली एकदम एक्साइटिंग सी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो बहुत ही मज़ेदार, ठीक है। आप सभी को पता है भाई साहब, यूसीएल फाइनल होने वाला है, लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड, एंड एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर दिस कॉम्पिटिशन। देखें, ऑब्वियसली यूसीएल फाइनल है तो सब एक्साइटेड होंगे ही होंगे, लेकिन ये जो दो टीम्स हैं जिनके बीच में ये क्लैश होने वाला है, भाई साहब ये इस साल यूरोप में सुपर जायंट्स के तरीके से खेले हैं। टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड, कम बैक आफ्टर कम बैक यूसीएल के पूरे कंपटीशन में ला लीगा जीत चुके हैं, और उनकी टीम में भाई साहब टैलेंट और लक दोनों नजर आ रहा है। करीम बेंजिमा भाई साहब क्या ही गोल स्कोर कर रहे हैं, विनीशियस जूनियर लाइफ में अपने फॉर्म ऑफ लाइफ क्या बोलते हैं लाइफ के बेस्ट फॉर्म पे चल रहे हैं, ठीक है। और भाई साहब अगर बात कर लें लिवरपूल की, तो वहाँ पे एक ऐसी टीम जंगन क्लॉप ने बना दी है जो मैं हमेशा से कहता हूँ हारना भूल गई ये लग रहा है। तो ये दोनों टीम्स का जो है वो यहाँ पे हमको क्लैश देखने को मिलेगा। एक तरफ विनीशियस जूनियर की फास्ट पेस, और एक तरफ अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जो कंसिडर किए जाते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट राइट बैक आज के समय पर, ऐसे जो है वो हमको यू नो व्हाट भिड़ंत देखने को मिलेगी, बेंजिमा वर्सेस वर्जिल वैन डाइक, तो मज़ा आएगा देख करके। लेकिन यू नो व्हाट आप दो टीम्स को अगर पकड़ोगे ना, तो कोई एक फेवरेट्स होता है उन दोनों टीम्स में। बहुत सारे लोगों के लिए फेवरेट्स होंगे लिवरपूल, मेरे लिए भी फेवरेट्स हैं लिवरपूल, मैं चाह रहा हूँ लिवरपूल जीते, बट कुछ लोगों के लिए फेवरेट्स होंगे रियल मैड्रिड, बहुत सारे लोगों के लिए होगी रियल मैड्रिड फेवरेट, यू नो व्हाट। लेकिन आज की वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट फाइव ऐसे पॉइंट्स जिसके चलते ये समझ में आ रहा है कि रियल मैड्रिड का थोड़ा सा आई शुड नॉट से कि एडवांटेज है ओवर लिवरपूल, बट ऐसे पाँच पॉइंट्स जिससे ऐसा समझ में आ रहा है कि लिवरपूल यू नो व्हाट हार सकती है रियल मैड्रिड से। रियल मैड्रिड कैसे हावी पड़ सकती है, किन रीजन से हावी पड़ सकती है लिवरपूल के ऊपर, उन पांच पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। मर गए भाई। लेकिन आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई साहब, वन फुटबॉल का जो है वो तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि वन फुटबॉल है हमारे चैनल के स्पॉन्सर, और वन फुटबॉल आपको देता है दुनिया जहां की फुटबॉल न्यूज़ डायरेक्टली आपके फोन में। देखें, वन फुटबॉल जो है वो बेस्ट फुटबॉल ऐप है सभी फुटबॉल फैंस के लिए। आप अपने फेवरेट टीम को फॉलो कर लो, उसके बाद मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि आप हर एक अपने क्लब से रिलेटेड फुटबॉल न्यूज़ को जो है वो वन फुटबॉल ऐप में पाओगे। साथ ही साथ आपको लाइव मैचेस के लाइव स्कोर्स देखने को मिल जाएंगे, टीम शीट, रिव्यूज, प्रीव्यूज, हर एक चीज़ फुटबॉल से रिलेटेड वन फुटबॉल ऐप आपको दे देता है। तो डाउनलोड कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फ्री अवेलेबल ऐप है भाई साहब, इन्जॉय करो फुटबॉल को वन फुटबॉल के साथ। सबसे पहला रीजन जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, और वो है कि लिवरपूल का सीजन काफी ज्यादा लंबा रहा है इफ वी कंपेयर इट टू रियल मैड्रिड। देखें, रियल मैड्रिड आई नो ला लीगा चैंपियंस है, बट अगर आप लिवरपूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों डोमेस्टिक कप जो है वो लिवरपूल ने खेला है, और दोनों डोमेस्टिक कप उन लोग जीते हैं, ठीक है। तो क्या हमारे रियल मैड्रिड कोपा डेल रे से बाहर हो गई थी शुरू में ही, तो उनको फोकस केवल दो नहीं तीन कॉम्पिटिशन, स्पेनिश सुपर कप, ला लीगा, एंड यू नो व्हाट यूसीएल में देना पड़ा। बट टॉकिंग अबाउट लिवरपूल दोनों अपने डोमेस्टिक कप के कॉम्पिटिशन में आखिरी तक गई है, एफ ए कप में भी आखिरी तक गई है, कराबाओ क्लब में भी आखिरी तक गई है, और फिर आप दोनों डोमेस्टिक कप के फाइनल्स में जाने के बाद आप जीत भी गए हो। टॉकिंग अबाउट आपके लीग, प्रीमियर लीग में भाई साहब इनका नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चल रहा है मैन सिटी के साथ। टेबल पॉइंट में तुम नजर डाल दो, देखो कितने कम पॉइंट्स का जो है वो डिफरेंस मैन सिटी और लिवरपूल का। तो यहाँ पे लिवरपूल को प्रीमियर लीग में भी ध्यान देना पड़ रहा है, दे आर बिहाइंड क्वाड्रुपल, तो दो कप्स ऑलरेडी इन दी बैग, बट उन दोनों कप्स को जीतने के लिए फाइनल तक आप पहुंचे, और उन फाइनल्स तक पहुंचने के लिए आपने कई सारे मैचेस खेले हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि लिवरपूल का सीजन काफी ज्यादा लंबा रहा है एज कम्पेयर टू रियल मैड्रिड। उन्होंने अपने दोनों डोमेस्टिक कप से फाइनल पहुंच करके इस सीजन में जितने ज्यादा सबसे ज्यादा गेम्स खेलने वाली टीम जो है वो लिवरपूल बन चुकी है, और फिर ये यूसीएल के भी अब फाइनल में है। तो ये जो है वो सिस्टम थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है कुछ प्लेयर्स के लिए, कुछ प्लेयर्स जो है वो थोड़े से थके हुए नजर आ सकते हैं। टॉकिंग अबाउट प्रीमियर लीग एज वेल, इंपॉर्टेंट गेम कमिंग अप फॉर लिवरपूल, जहां पे लिवरपूल को जीतना होगा, तो उनको प्रीमियर लीग में भी ध्यान देना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, रियल मैड्रिड ऑलरेडी जीत चुकी है ला लीगा, तो वो तो ऐसे हल्का फुल्का ट्रेनिंग सेशन चला रहे हैं भैया ला लीगा में। तो लिवरपूल जब तक फाइनल तक पहुंचेगी, तब तक हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा चली हुई हो, थोड़ी ज्यादा थकी हुई हो एज कम्पेयर टू रियल मैड्रिड, तो ये एक फायदा जो है वो रियल मैड्रिड ऑब्वियसली उठा सकती है। टॉकिंग अबाउट दी अदर रीज़न, अगर मैं फोर्थ रीज़न के बारे में बात कर लूँ, तो भाई साहब लिवरपूल के सीजन में इस समय भाई साहब प्लेयर्स थोड़े से इंजर्ड नज़र आ रहे हैं। टॉकिंग अबाउट, देखें आप बात माने या ना माने, आपने मैचेस देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एफ ए कप का फाइनल चल रहा था, मोहम्मद सलाह भाई साहब इंजर्ड हो गए थे। टॉकिंग अबाउट वर्जिल वैन डाइक, कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर तुम सभी जानते हो, वो भी जो है वो हाफ टाइम में बाहर निकल चुके थे लिवरपूल वर्सेस चेल्सी के एफ ए कप के फाइनल वाले क्लैश में। तो ये दो प्लेयर्स जो है वो बाहर निकल चुके थे। टॉकिंग अबाउट उनके इंजरीज, देखें ऐसा समझ में आ रहा है कि इंजरीज उतनी जो है वो ज़्यादा गंभीर वाली नज़र नहीं आ रही है, प्रिकॉशन लिया गया था। जर्गन क्लॉप जो है वो गेम के बाद कहते हैं कि इट वॉज माई डिसीजन, इट वॉज प्रिटी कॉशनरी, मो सेड आई फील समथिंग, आई कैन कैरी ऑन, आई सेड नो।
अ फुटबॉल गेम इज नॉट अ परफेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट, इट मीन्स इट रियरली गेट्स बेटर ड्यूरिंग अ गेम। फिर वर्जिन वैन डाइक के बारे में भी जो है वो जर्गन क्लॉप ने कहा कि वर्जिन वैन डाइक आकर के उनको बोले थे कि मैं कुछ फील कर रहा हूँ लेकिन ठीक है, बट उनको भी प्रिकॉशनरी मेजर्स के रूप में जो है वो गेम से निकाल दिया गया था। और फिर आफ्टर द गेम वो जर्गन क्लॉप कहते हैं कि ऑब्वियसली आई स्पोक टू बोथ आफ्टर द गेम, बोथ आर रियली ओके, ऑल दैट वी नो इज इट्स नॉट अ बिग थिंग, वी रियली केम थ्रू। अब यहाँ पे इससे समझ में आ रहा है कि इंजरीज तो हैं ठीक है अभी आज के डेट में, लेकिन हो सकता है क्या पता आगे हो या ना हो, कुछ नहीं कह सकते। तो अभी एज कम्पेयर टू रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड में ऐसी सच कोई इंजरीज नहीं चल रही है, बट लिवरपूल में उनके बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो हाल फिलहाल में इंजर्ड हो रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी, टाइम विल टेल एज आई ऑलवेज से कि हमको फाइनल में जो है वो ये प्लेयर्स देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आई थिंक्स ओके मिल जाएंगे, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं। एनीवेज टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग, तो आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, लिवरपूल से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की एज कम्पेयर टू रियल मैड्रिड। देखें आई नो एक्सपेक्टेशंस तो फैंस लोग हर एक अपने टीम से करते हैं, बट एज अ यू नो व्हाट फैन फेवरेट, अगर एक न्यूट्रल आदमी पकड़ रहा है इस गेम को, तो बहुत सारे न्यूट्रल्स जो हैं वो लालीगा के हो सकता है लिवरपूल को सपोर्ट कर रहे हों, और प्रीमियर लीग के हो सकता है रियल मैड्रिड को। आई डोंट रियली नो, बट मैं एक चीज़ ये जरूर कह सकता हूँ कि लिवरपूल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर किस चीज़ का? क्वाड्रुपल जीतना है। हर एक समय आप जब भी कोई भी न्यूज़ खोल के देख लो, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट लिवरपूल क्वाड्रुपल, लिवरपूल क्वाड्रुपल। तो वो जो प्रेशर है क्वाड्रुपल जीतने का, यूसीएल जीतने का, वो मेरे ख्याल से लिवरपूल के ऊपर ज़्यादा है ठीक है। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड के भी ऊपर है, ऑब्वियसली यूसीएल जीतना हर एक के लिए जो है वो ड्रीम होता है, बट ये जो क्वाड्रुपल वाला एक जो रेस चल रहा है ना कि हम दो ट्रॉफी ऑलरेडी डाल चुके हैं, प्रीमियर लीग भी शायद जीत जाए और यूसीएल तो जीतना ही जीतना है, वो मेरे ख्याल से जो है वो थोड़ा सा लिवरपूल को यू नो व्हाट प्रेशर में डाल रहा है। टॉकिंग अबाउट यू नो व्हाट प्लेयर्स, तो ट्रेंट ने आकर के ये भी कहा था कि वन आउट ऑफ फोर इज डन, वी आर ऑन टू क्वाड्रुपल, ऐसा वैसा ये वो। मोहम्मद साला जो है वो कहे थे कि भैया एवरीबडी इन लिवरपूल वॉन्टेड टू फेस रियल मैड्रिड एंड वी लॉस्ट दी 2018 वाला फाइनल, इट वॉज अ सैड डे फॉर अस, बट नाउ इट्स रिवेंज टाइम। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा खुद प्लेयर्स अपने से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रेशर डाल सकती है लिवरपूल के ऊपर। अगर हम बात कर लें एक और रीजन की, तो भाई साहब रियल मैड्रिड जो है वो लिवरपूल को रिसेंटली दो बार हरा चुकी है, जिनके दो गेम्स रिसेंटली हुए थे और दोनों गेम्स में भाई साहब रियल मैड्रिड जो है वो विजयी थी। टॉकिंग अबाउट 2018 का फाइनल आप सभी ने देखा था 3-1, मोहम्मद साला इंजर्ड हो गए थे, बेल की तरफ से ओवरहेड किक हमको देखने को मिली थी और यूसीएल फाइनल जो है वो रियल मैड्रिड जीत गई थी। और रिसेंटली पिछले साल जो है वो चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल जो है वो फेस करी थी रियल मैड्रिड को, जिसमें भी रियल मैड्रिड जो है वो 3-1 एग्रीगेट स्कोर में निकाल करके ले आए थे। तो रिसेंटली रियल मैड्रिड जो है वो ओवरहैंड रखी हुई है जर्गन क्लॉप के जो है इस लिवरपूल वाली साइड में, बट वन थिंग विच आई कैन से इज कि ये जो जर्गन क्लॉप की आज की स्क्वाड है वो थोड़ी सी डिफरेंट है पिछले साल और पिछले साल से, क्योंकि पिछले साल इंजरी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा थी लिवरपूल के डिफेंसिव साइड में, बट जो भी हो क्लैश मज़ेदार होगा। टॉकिंग अबाउट द लास्ट वेरी थिंग जो मेरे ख्याल से एक रीज़न हो सकता है रियल मैड्रिड का एडवांटेज लेने का किसी भी टीम में यूरोप में यूसीएल में खासकर, कि रियल मैड्रिड यूसीएल की चैंपियन, भैया यूसीएल जो है वो कॉम्पिटिशन ही रियल मैड्रिड का है। और इस सीज़न आपने वो चीज़ देखा, बड़े बड़े टीम्स चेल्सी पीएसजी मैन सिटी सब धूल, भैया धूल में धक्कड़ हो गए भाई साहब रियल मैड्रिड के सामने। देखें बीइंग अ बार्सा फैन आई डू नॉट लाइक रियल मैड्रिड। अब ये पुष्पा वाला डायलॉग केजीएफ वाला डायलॉग हो जाएगा क्या, आई डू नॉट लाइक रियल मैड्रिड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आई सीरियसली डोंट रियली लाइक रियल मैड्रिड, बट यू नो व्हाट, आप पसंद ना करते हो लेकिन प्रेस तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा यार, क्योंकि ऑब्वियसली फुटबॉल है ये और जो जीतता है उसकी प्रेजिंग तो बनती है। बट भाई साहब रियल मैड्रिड रिसेंटली जो है वो आप देखें इस सीजन में ही भैया पेल चुके हैं पूरे यूरोपियन के टॉप टॉप टीम्स को। लक उनके साइड है, और लक इसलिए भी साइड है क्योंकि वो चैंपियंस हैं यूरोप के, भैया किंग है यूरोप के एक तरीके से। अब इनसे ज़्यादा कोई यूसीएल जीता नहीं है सबसे पहली बात, और यूसीएल चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड भैया हमेशा काम करती, भाई मैजिक ही होता है इनके तरफ से। मोर ओवर लक तो इनके साइड ही साइड है, बेंजिमा विनीशियस अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि रियल मैड्रिड आर दी किंग्स ऑफ चैंपियंस लीग फुटबॉल। तो एक ये भी एक रीज़न है जिसके चलते मेरे ख्याल से जो एडवांटेज ले रही है रियल मैड्रिड लिवरपूल को। तो ये थे पांच रीजंस जो मेरे ख्याल से जिसके चलते मैं ये कह सकता हूँ कि रियल मैड्रिड का थोड़ा सा एडवांटेज है ओवर लिवरपूल इस फाइनल के लिए। आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से क्या रीज़न मैंने और मिस करे हैं, या फिर कौन सी टीम आपको अच्छी लग रही है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि लिवरपूल का कोई एडवांटेज है
रियल मैड्रिड के ऊपर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, ठीक है। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, जय हिंद एंड भाई साहब सब्सक्राइब करने, लाइक करने।